हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रविंदर सिंह राणा है और मैं आपको आज एक छोटी सिंपल रेसिपी बताने वाला हूँ जिसका नाम है दम कंबोज। तो इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सिंपल है, कोई तामझाम नहीं है उसमें। आपको इजी टू घर पे अवेलेबलिटी मिल सकती है। जैसा कि इसके लिए मेन इंग्रेडिएंट्स हैं कैशो, अनियन, कर्ड और जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑयल और गार्लिक और चिल्ली। और इसके जो ड्राई मसाले हैं उसमें हम लोग गरम मसाला यूज़ करेंगे, देगी चिल्ली यूज़ करेंगे, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, बे लीफ एंड सिनेमन स्टिक। और चिकन आप लोग अपने, अगर आपको छोटा, अगर छोटे पीसेस चाहिए तो छोटे पीसेस यूज़ कर सकते हो, अगर आपको बड़े पीसेस चाहिए तो आप बड़े पीस यूज़ सकते हो। अब बेसिकली हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इन सबको हम लोग फ्राई करेंगे। जैसे हम लोग अनियन को गोल्डन ब्राउन करेंगे, तो गोल्डन ब्राउन के लिए हम लोगों ने पहले ऑयल चढ़ाया और फिर हम लोग उसको ऑयल में, कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे और उसके बाद हम लोग इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। क्वांटिटी आपके हिसाब से है, क्वांटिटी रेशियो सब मतलब 50-50% है, जितना कैशो उतना अनियन और 25% कर्ड होना चाहिए। ये डिश दम में पकेगी। हम इसमें लास्ट में ऑयल का फ्लेवर देंगे। पहले हमारा ऑयल थोड़ा सा हीट हो जाए, उसके बाद हम इसमें ऑयल अनियन गोल्डन ब्राउन करेंगे। अनियन है वो ऑलमोस्ट ब्राउन होने के कगार में, और जब तक ये ब्राउन होता है हम लोग इसको चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेशन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, सर सबको पता ही। आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट, और हल्का सा देगी चिल्ली, हल्की सी टर्मरिक और सॉल्ट। सॉल्ट जो है, जब तक ये ब्राउन होगा तब तक ये मैरिनेट हो जाएगा हमारा चिकन। तो हम इसको मैरिनेशन के लिए अच्छी तरह छोड़ देंगे। तो ये आप देख रहे हो कि ये इस स्टेप में अनियन, इससे थोड़ा सा और टाइम लेंगे हम लोग, विद इन 1 मिनट और, उसके बाद ये अनियन ब्राउन हो जाएगा आपका। अभी देखिए आप कि इस कंडीशन में इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, अगर इससे ज़्यादा निकाला तो ये ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हीट होती है और हीट, अभी देखिए ये हमारा प्रोसेस डन हो गया। तो इसके बाद हम लोग कैशो लेंगे, कि मैंने आपको बोला था कि कैशो भी हमें फ्राई करना है, तो हम उसका कैशो इसमें ऑयल में डाल देंगे। तो ये हमारा कैशो भी गोल्डन ब्राउन होगा। अब एक चीज़ का हमेशा याद रखिएगा, अगर कैशो हमारा गोल्डन ब्राउन हो रहा है तो हमें उसके साइड में एक वाटर रखना है। अगर वो अपने, क्योंकि कैशो के टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है जब कैशो फ्राई करते हैं, तो हम उसको उस वाटर में डालेंगे। अब देखिए कैशो गोल्डन ब्राउन होने वाला है। अब ये अपना हीट, अभी जब मैं इसको इस कंडीशन में निकालूंगा तो ये अपनी हीट में ही रहेगा, और ये अगर मैं इसको नॉर्मल अगर वाटर में नहीं डालूंगा तो ये ब्लैक हो जाएगा और काला होने के बाद ये बीटर लगने लगेगा। तो मैंने यहाँ से निकाल के इसको मैं डालूंगा। अब ये इसके बाद ये अपना
काला नहीं होगा, अब ये गोल्डन ब्राउन ही रहेगा। मैं बात की थी कि हम लोग इन कैशो ब्राउन ऑनियन और कर्ड और चिल्ली को हम लोग पेस्ट करेंगे, तो हम लोग अब इसमें ग्राइंडर ग्राइंड करेंगे थोड़ी देर बाद में। तो ये हमने डाल दिया ब्राउन ऑनियन इसमें। ऐसा नहीं कि बहुत बहुत टफ रेसिपी है, बहुत सिंपल रेसिपी है, अब देख ही रहे हो, जो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब ब्राउन जो गोल्डन कैशोज है उसको मैं इसमें डाल के अब ग्राइंड करने वाला हूँ। इसका बेस ही अनियन और कैशो और कर्ड का ग्रेवी है, और इसमें लास्ट में हम लोग स्मोक देंगे जब वो बन जाएगा। अभी आप देख रहे हो कि सब कुछ गोल्डन है, कैशो से लेके अनियन से लेके। अब ये चिल्ली हम लोग इसमें डाल के, अब ये फाइनल इसमें कर्ड है जो मैं डाल रहा हूँ। आप ऐसे नहीं कि आप चिल्ली ग्रीन ही चिल्ली डालनी है, इट्स डिपेंड फॉर यू कि आप कौन सी चिल्ली डालोगे। आप इसमें येलो चिल्ली डाल सकते हो, येलो चिल्ली थोड़ा एक्सपेंसिव होती है तो आप रेड चिल्ली का यूज़ कर सकते हो, और ग्रीन चिल्ली यूज कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोग इसमें येलो चिल्ली ऐड करते हैं, बट येलो चिल्ली हमारे पास है नहीं, तो हम लोग इसमें डालेंगे ग्रीन और रेड चिल्ली। तो हम लोग इसी वाटर से इसको ग्राइंड करेंगे। पेस्ट हमारा बिल्कुल फाइन होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ब्राउन ऑनियन कर्ड और कैशो का पेस्ट इस टाइप का होगा, ये काफ़ी फाइन होगा, आप देख ही रहे हो। और ये जो ग्रेवी है ना बिल्कुल फाइन होगी, और जैसे कि हम लोग होटल्स में खाते हैं इसको, कि जैसे आपने सुना होगा बटर चिकन, ये सब बिल्कुल सेम मेथड है इसका, कि आपको ऐसा ही बनेगा, कि कोई डिफरेंसेस नहीं है कि आपको ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कि आप देख ही रहे हो कि अभी चिकन जो मैरिनेशन किया है मैंने, ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो इसको हाफ एन आवर आप बहुत है, कि आधा घंटा आप इसको मैरिनेट कर सकते हो। और उसके बाद हम लोग अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हम लोग एक पैन लेंगे, सॉरी कढ़ाई लेंगे हम लोग, और कढ़ाई में हम लोग डालेंगे ऑयल। तो अब ऐसे मत करना कि फ्रेश ऑयल डाला, जो जिसमें हमने कैशो फ्राई किया हम लोग उसी ऑयल से इसको उसी ऑयल में खाना बनाएंगे, कि उसके लिए अलग ऑयल उसके लिए अलग, ऐसा नहीं। तो ये हमारा हो गया, डालेंगे सिनेमन और बेली, ये बस फ्लेवर के लिए है, ज़्यादा कुछ डालने का नहीं इसमें। और फिर हम लोग इसमें डालेंगे चॉप गार्लिक और जिंजर। तो हम इसको हल्का सा सौते करेंगे, सौते करने के बाद जो हमने ब्राउन ऑनियन और कैशो का पेस्ट बनाया था हम इसमें डाल देंगे ऐसे। देखा कि मैंने इसमें डाल दिया है कैशो पेस्ट, और अब मैं इसमें से निकाल रहा हूँ बाकी का कैशो, कुछ भी वेस्टेज नहीं है, सब हमें यूज करना है। तो ये आप देख ही रहे हो मैं इसमें से कैसे निकाल रहा हूँ, और फिर मैंने इसको इसमें डाल दिया। अब हल्का सा स्ट्रॉ करेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में हम लोग इसमें थोड़ी रेड चिली डालेंगे, हल्की सी टर्मरिक, और डालेंगे सॉल्ट।
तो अब आप देखिए उसका हल्का सा कलर चेंज हुआ। हल्का सा चिकन को रोस्ट करेंगे, पहले जिंजर गार्लिक डालेंगे, तो इसमें चिकन डाल देंगे। अब थोड़ी देर तक हम इसको सेलो फ्राई टाइप का करेंगे कि इसको थोड़ा बैंडिंग मिल जाए चीज़ों को। और यहाँ पे हमारी ग्रेवी तैयार है जो कि आप देख ही रहे। बस ये इसमें डालना और हमारी डिश ऑलमोस्ट डन होने वाली है। और लास्ट में हम लोग स्मोक ज़रूर देंगे उसमें। ग्रिल चिकन था साइड में, हम लोग उसको ग्रेवी में डिप कर देंगे। तो ऑलमोस्ट हमारी डिश लगभग लगभग तैयार होने वाली है। फिर ये पूरा गया मसाला इसके अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मसाले में हम लोग हल्का सा गरम मसाला, ग्रीन चिल्ली, रेड चिल्ली और इसमें सॉल्ट और टर्मरिक का यूज़ करेंगे। और अब हम इसको फिनिश करने के लिए हम लोग कोल का थोड़ा सा यूज़ करेंगे, क्योंकि कोल से हमें स्मोक देना है। आप देख रहे हो कि हमारी ऑलमोस्ट ग्रेवी तैयार है, इसमें चिकन घूम रहा है। कोल जो है ऑलमोस्ट डन हो गया। हमें थोड़ा इसको नेट में इसको किया। अब इसमें हम लोग देख, आप देख रहे हो कि दो से तीन पीसेस डालेंगे। अगर क्लोज हमने ज़्यादा डाला तो ये हो जाता बीटर। और हमारे पास घी है, हम इसमें घी डाल के इसको बंद कर देंगे। अब गैस को तो घी डाल के अब स्मोक इसके अंदर डाल देंगे। अब ये हम स्मोक दे रहे हैं। मैंने इसमें अपना ग्लोव्स का स्मोक दिया। अब आप देखो कि इसको लुक वाइज ये ऐसा दिखेगा। हाँ, तो ये हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है इसको। तो ये हमारा स्मोक फ्लेवर इसके अंदर आ चुका है।